व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम है साल सिंह और आप देख रहे हो अपना टेक साल ट्रिक्स। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में ना हम लोग बात करने वाले हैं कि अपना पीसी या फिर लैपटॉप को वॉइस के थ्रू कैसे कंट्रोल करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ना किसी भी चीज़ को बोल दोगे ना, बस आप लोग अपने पीसी में बोल दोगे ना, वो चीज़ ओपन हो जाएगा। फॉर सपोज अगर आप लोग बोलोगे कि माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करो या ओपन माइक्रोसॉफ्ट एज, तो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो जाएगा। या शट डाउन करने बोलोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। वॉइस के थ्रू आप लोगों का जो पीसी है ना, आप लोग ऑपरेट कर सकते हो। दो मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड काम का है, किसी भी ट्रिक को आप लोग यूज़ कर सकते हो। ओके, तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से है वो ट्रिक जिसे को यूज़ करके आप लोग अपना पीसी या फिर लैपटॉप को कंट्रोल कर सकते हो। मगर उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू विजिट किए हो ना, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर लेना। और अगर आप लोग किसी भी टाइप का डाउट होना या प्रॉब्लम आ रहा हो ना, तो इंस्टाग्राम पे जाकर मेरे पर्सनली पूछ सकते हो। आईडी आप लोगों को मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो बोला चलिए शुरू करते हैं, बात करेंगे सबसे पहला मेथड के बारे में, जिसको कि यूज करके आप लोग अपना पीसी को ना वो वॉइस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए तो आप लोगों का सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन करना पड़ेगा। यहाँ से आप लोग सर्च मारना कंट्रोल पैनल, अगर आप लोगों का डेस्कटॉप में नहीं है ना, तो आप लोगों का यहाँ सर्च बॉक्स में भी कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ही कैटेगरी होगा, ये कैटेगरी से हटा करके आप लोग लार्ज आइकन्स में कर देना। ओके, जैसे आप लोग यहाँ पर ही लार्ज आइकन्स में कर दोगे ना, यहाँ पर आप लोगों का मिल जाएगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ही देख सकते हो। अब देखो ये पहला मेथड है, दूसरा मेथड भी आप लोग कर सकते हो। ये स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में आप लोग जैसे ही क्लिक कर दोगे ना, यहाँ आप लोग कुछ इस टाइप का ओपन हो करके आ जाएगा। अब यहाँ आप लोगों को मिल जाएगा स्टार्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, स्टार्ट यूजिंग आवर वॉइस टू कंट्रोल योर कंप्यूटर। तो आप लोग ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसमें क्लिक कर, तो आप लोग जैसे ही दोस्तों ये जो स्टार्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में क्लिक करोगे ना, तो आप लोगों को जिस टाइप का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को चेक कर लेना है, यहाँ पर आप लोगों को जो फर्स्ट वाला हेडसेट माइक्रोफोन है ना, इसमें ही सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर ही नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट में क्लिक करोगे ना, वापस नेक्स्ट में क्लिक कर देना। यहाँ देख सकते हो आप लोगों के यहाँ आउटपुट आ रहा है। एक बार आप लोगों को जोर जोर से ही हेलो हेलो बोल देना है, हेलो 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 चेक। तो आप लोगों को ना एकदम जोर जोर से हेलो हेलो बोल देना। तो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट का बटन है ना, ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फिनिश में क्लिक कर देना, जैसे आप लोग फिनिश में क्लिक कर दोगे ना, आप लोगों का जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है ना, वो ऑन हो गया रहेगा। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग ने स्टार्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में क्लिक करना, जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे ना, आप लोगों का कुछ इस टाइप का यहाँ पर ही खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो ये माइक वाला जो बटन है ना, ये जो माइक वाला आप लोगों को दिखता होगा, इसमें आप लोगों को बस क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर ही क्लिक कर दोगे ना, अब आप लोगों को कुछ भी बोलना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ही बोलते हैं ओपन फाइल एक्सप्लोरर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर ही देख सकते हो, यहाँ पर हमारा जो फाइल एक्सप्लोरर है ना, वो यहाँ पर ओपन होकर के आ गया है। अब आप लोगों को फॉर सपोज ये फाइल एक्सप्लोरर क्लोज करना है, क्लोज फाइल एक्सप्लोरर। देख सकते हो हमारा जो फाइल एक्सप्लोरर है ना, वो क्लोज हो चुका है। अब देखो भाई लोग, मैंने जो आप लोगों को पहला मेथड बताया था ना, पहला मेथड विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, चारों का चारों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था। लेकिन अब मैं जो आप लोगों को दूसरा मेथड बताने वाला हूँ ना, वो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ विंडोज 10 और विंडोज 11 के लिए है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये जो मेथड है ना, बस ये दो अगर आप लोगों के पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, दोनों में से कोई है ना, तभी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आप लोग सबसे पहले यहाँ से सेटिंग्स में यहाँ पर लिखना, सेटिंग्स में हम लोग यहाँ पर टाइप कर देते हैं, सेटिंग्स आप लोग यहाँ पर टाइप करना। सेटिंग्स आप लोगों को इस टाइप का ओपन होकर के आ जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ही देख सकते हो। फिर जैसे आप लोग सेटिंग्स में चल जाओगे ना, यहाँ आप लोग मिलेगा एसेसिबिलिटी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये एसेसिबिलिटी में आप लोगों को ना ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को नीचे चल जाना है और यहाँ मिलेगा स्पीच करके। जैसे आप लोग यहाँ स्पीच में चल जाओगे ना, तो आप लोगों को इस टाइप का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर अब आप लोगों को अपने पीसी को अगर कंट्रोल करना है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा वॉइस एक्सेस। तो आप लोग इसमें इसको है ना ये ऑफ होगा, इसको ऑन कर देना। जैसे आप लोग इसको ऑन कर दोगे ना, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का होगा इनिशियलाइजिंग हो रहा। अगर आप लोग इसको पहला बार ओपन करोगे ना, तो यहाँ कुछ डाउनलोड वाउनलोड लेगा, कुछ थोड़ा मोड़ा एमबी का होगा, तो आप लोग डाउनलोड वगैरह कर लेना। इस टाइप का जैसे ही ओपन होकर के आ जाएगा ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी ये ऑफ है। फॉर सपोज मेरे को इसको ऑन करना है, तो ये जो यहाँ पर दिखता होगा कोना में, एकदम खोपचा में आप लोगों को दिखता होगा, देख लो यहाँ पर ही ये माइक्रोफोन का यहाँ पर बटन दिखता होगा, इसमें क्लिक कर देना। तो अब ये आप लोगों का ये जो है ना, वो ऑन हो चुका है।
देख सकती है हमारा क्या क्या यहाँ पर लिखा रहा है। तो फॉर सपोज मेरे को यहाँ पर ही बोलना है ओपन माइक्रोसॉफ्ट एज, तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज कैसे ओपन हो गया। यहाँ पर ये कुछ लिखा रहा है तो आप लोगों को इसके बाद बोलना है। फॉर सपोज मेरे को ओपन करना है दिस पीसी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं यहाँ पर ही बोलूंगा ओपन दिस पीसी। यहाँ पर ये तो कुछ वैसे और खुल करके आ गया है। यहाँ आप लोगों को नंबर्स वगैरह देखने को मिलता होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब आप लोगों को यहाँ दिस पीसी तो आ गया, मगर अब आप लोगों को यहाँ नंबर, आप लोग जो नंबर यहाँ बोल दोगे ना वो नंबर अकॉर्डिंग आप लोगों का ओपन हो जाएगा। फॉर सपोज मैं यहाँ पर ही बोलता हूँ 5, तो जैसे हमने दोस्तों 5 बोले ना, अब देख सकते हो वही जो हमारा दिखा रहा था ना वो यहाँ पर ही ओपन होकर के आ जाएगा। तो भले इसी तरीका का यूज करके ना आप लोग जो है ना अपने पीसी में जो वॉइस एक्सेस है ना उसको यूज कर सकते हो। इसको ऑफ करने के लिए यहाँ से ऑफ कर दो और वापस आप लोग वही सेटिंग्स में जाना, सेम आप लोग सेटिंग्स में जाना और ये वाला हटाने के लिए आप लोग यहाँ से भी जा सकते हो। यहाँ से टर्न ऑफ वॉइस एक्सेस कर दोगे तो वो आप लोगों का यहाँ से हट जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ही देख सकते हो। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को छोटा सा इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पहली बार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों फिर होगा ऐसे नई वीडियो को लेकर। इस वीडियो के रिगार्डिंग या किसी और वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का डाउट होना तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। आईडी आप लोगों को मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो भले चलिए, बाय बाय।